नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वैक्यूम के बारे में, ये मेरे पास पानी पड़ा हुआ इस पॉट के अंदर और इसके अंदर मैंने कलर एड कर दिया, ये बोतल मैं इसके अंदर डिप कर रहा हूँ, क्या इसके अंदर पानी राइज हो रहा है? ऊपर आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बाहर निकाला मैंने, इसके अंदर जितना भी पानी था मैंने इसको खाली किया। अब मैंने क्या कर दिया, इस बोतल के अंदर मैंने परफ्यूम एड कर दिया, ठीक है, जिसका है उसका दिल तो जल रहा होगा, मैं क्या करूँ, ठीक है, ये मैंने ऐड किया, ठीक है। अब ऐड करने के बाद मैंने क्या इसके अंदर डाल दिया, बोतल पर चेक करें, पानी राइज हो रहा है, जादू है ना, जादू नहीं केमिस्ट्री है, पानी राइज हो रहा है। अब इसको मैं जितनी देर छोड़ूंगा ये आता रहेगा। अब ये हुआ क्या, ये असल में हुआ क्या, मैंने क्या किया, ये बोतल जब उठाई, बोतल के अंदर मैंने परफ्यूम स्प्रे किया, परफ्यूम में होता है अल्कोहल, ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है, इसको आग बहुत तेजी से लगती है, मैंने इसके ऊपर कैंडल के ऊपर लगाई बोतल तो उसके अंदर आग लगी, आग लगने की वजह से इसके अंदर जितनी भी एयर थी वो कंबल्शन हो गई, जब कंबल्शन हो गई तो मतलब बोतल के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम, मतलब कोई एयर नहीं है, मैंने इसको उल्टा कर दिया, अब बोतल के अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब प्रेशर जीरो, प्रेशर क्या हो गया जीरो, और बाहर का प्रेशर क्या है हाई, अब बाहर का प्रेशर हाई है और अंदर का प्रेशर लो है, तो प्रेशर दबाव किस तरह मूव करता है, हायर टू लोअर, तो बाहर से इसको प्रेशर लगा, पानी ऊपर और इस तरह से पानी क्या कर रहा है, बोतल के अंदर राइज कर रहा है। हाल ही में एक वाक्य आया था टाइटैनिक का, ये जो विजिटर्स गए थे ना टाइटैनिक का जहाज देखने जो डूब गया था, असल में वो उनका हादसा आया कैसे, हादसा इसलिए आया कि जहां तक ये पहुंचे थे वहां पे उस जो सबमरीन थी उसकी जो है ना वो एयर वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया था, एयर जितनी भी थी वो सारी खत्म हो चुकी थी, प्रेशर बाहर का प्रेशर बढ़ गया था, अंदर के वैक्यूम क्रिएट हो गया था, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से बाहर से उसका प्रेशर हाई हो गया तो वो सबमरीन ऐसे दब गई, प्रेस हो गई, बिल्कुल आई बात समझ में,